हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुणे के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मुझे बहुत सारा कमेंट किया कि सर हम पुणे में एडमिशन कहाँ पे लें, कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आज मैं लिस्ट बना चुका हूँ फ्रेंड्स, और सभी कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके लिस्ट बनाया हूँ कि पता चले वहाँ पे रेडियोलॉजी है कि नहीं, बैचलर्स रेडियोलॉजी। और पुणे में कुछ जगह जो कॉलेज है कि जैसे कि वहाँ पे बैचलर्स वोकेशनल कोर्स करके उसका नाम दिया जा रहा है BMRIT का, तो वो भी सेम चीज है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो सबसे टॉप वन का कॉलेज है उसको मैंने नंबर वन पे दिया, और फाइव से होते हुए वन की तरफ, यानी कि मैं पहले फाइव, फिफ्थ नंबर पे जो कॉलेज है, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर टू, फिर वन, मतलब रैंक वाइज मैंने कॉलेज का नाम दिया, आप देख सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन आपको होती तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सभी लोग मुझे कमेंट्स करके पूछते थे कि सर हम पुणे में कहाँ पे एडमिशन ले, मुंबई में कहाँ पे एडमिशन ले। मुंबई में तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि डिप्लोमा के अलावा आपको कहीं नहीं मिला, तो आपके इंतजार की घड़ी आप समाप्त हुई फ्रेंड्स, और आप चैनल पे आप देख सकते हैं वीडियो पुणे के लिए। बाकी मैं धीरे धीरे एक एक स्टेट के टॉप कॉलेज का नाम चुन के आपको बताता रहूंगा। अगर आपको कोई बैचलर्स रेडियोलॉजी के लिए प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो चलिए फटाफट बताता हूँ फाइव कॉलेज कौन है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। नंबर फाइव का जो कॉलेज है, कॉलेज का नाम है यहाँ पे संकल्प पैरामेडिकल कॉलेज। तो ये संकल्प पैरामेडिकल कॉलेज जो है ये भी है पुणे में, आपके काफ़ी ठीक कॉलेज है, ऐसा नहीं कि खराब कॉलेज है। वहाँ पे भी आप जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एलकाउन हाउस, श्री कंट्रोल चौक, नरे, पुणे, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। नंबर फोर पे मैंने जिस कॉलेज का नाम रखा है वो कॉलेज है KP पैरामेडिकल कॉलेज, यानी कि KP पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इसका नाम है, कॉलेज भी कहते हैं। लोकेशन इसकी बात करें तो लोकेशन इसका आपकी स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा, हदासपुर गदीताल, PMT चौक, हदासपुर गांव, हदासपुर, पुणे, महाराष्ट्र। तो आप यहां पे भी जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये दो कॉलेज हो गए जो कि नीचे लेवल के हैं। जो मिडिल कॉलेज है थोड़ा बेस्ट कॉलेज में होता है, इसका काउंट इसका लोकमान तिलक म्युनिसिपल जनरल कॉलेज। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। इसका एड्रेस RBTU सेंट्रल रेलवे क्वार्टर्स, सिन वेस्ट सिन, मुंबई। यहाँ पे भी आप जाके ले सकते हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कॉलेज नंबर टू पे जो कॉलेज है उसकी हम बात करें, इसका नाम मैं पहली बार भी ले चुका हूँ फ्रेंड्स, कि ये कॉलेज जो है OSIS इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च सेंटर। ये कॉलेज को मैंने नंबर टू पे इसलिए रखा है क्योंकि ये इस कॉलेज का रैंक हर जगह चल रहा है। तो ये पड़ता है आपका JK बिरला नंबर 19 सेनवे सुजाक पार्क नगर लुल्ला नगर खंडवा पुणे, ये पुणे में ये भी पड़ता है फ्रेंड्स। और जो अब बात करने जा रहे हैं वो सबसे A1 कॉलेज है फ्रेंड्स, नंबर वन का कॉलेज, यहाँ बिना एंट्रेंस के आप जा नहीं सकते। नंबर वन कॉलेज में आता है आर्मेड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। तो फ्रेंड्स यहाँ बिना एंट्रेंस के आपका जाना नामुमकिन है, और सिर्फ 30 सीट्स हैं यहाँ पे, आपकी किस्मत होगी तो आप जा सकते हैं। ये पड़ता है आपका साउथर्न कमांड सोलापुर, ये सोलापुर का नाम आपने सुना होगा, ये पुणे हाईवे नियर रेस कोर्स में पड़ता है, ये पुणे महाराष्ट्र में ही। तो फ्रेंड्स इतने सारे कॉलेज के नाम हो गए आपके सामने। अगर जो वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके ही जाना फ्रेंड्स, बिना लाइक किया अगर जो आप गए तो फिर मैं समझूंगा वीडियो अच्छी नहीं लगी। और कमेंट्स करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर देना अगर जो नया हो चैनल पर। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई